हम लोगों में से ज़्यादातर लोग कभी कभी यह जरूर सोचते होंगे कि सूरज अस्त ना होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सूरज निकलता ही नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही गांव के बारे में बताते हैं। यह गांव इटली में है जहां पर कभी भी सूरज नहीं उगता है। गाँव में सूरज ना निकलने से परेशान लोगों ने इसका हल निकाल लिया। इस गांव के लोगों ने एक अपना अलग सूरज बना लिया है। इस बात को जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह पूरी तरह सच है। यहां पर सूरज ना निकलने की वजह से यहां पर लोगों ने अपना आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है। अभी तक इंसान विज्ञान और तकनीक की मदद से हाथ पांव और नकली आंख बना रहा था, लेकिन इटली के इस गांव के लोगों ने आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है। इटली के इस गांव का नाम बिगानेला है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस गांव में सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। मिलान के उत्तर में यह गाँव लगभग 130 किलोमीटर नीचे स्थित है। इस गाँव की आबादी 200 है। यहाँ पर नवंबर से फरवरी तक सूरज नहीं निकलता है। लोगों की समस्या को देखकर गांव के एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने एक रास्ता खोज लिया। इंजीनियर ने गांव के मेयर की मदद से गांव के लिए एक आर्टिफिशियल सूरज बना दिया। आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए 1,00,000 यूरो खर्च किया। इस पैसे से इंजीनियर ने 40 वर्ग किलोमीटर का एक शीशा खरीदा, जिसको उसने पहाड़ की चोटी पर लगवा दिया। यह शीशा ऐसे लगाया गया है ताकि सूरज की रोशनी गाँव के ऊपर धूप बन के पड़े। इस शीशे से दिन में 6 घंटे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और गाँव में रोशनी रहती है। इस शीशे को पहाड़ की दूसरी तरफ लगाया गया है। इस शीशे को कंप्यूटर से ऑपरेट करते रहते हैं। गांव के लोगों ने इस प्रकार अपना खुद का नया सूरज बना डाला। गांव वालों ने विज्ञान और तकनीक की मदद से इस समस्या से निजात पा लिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।